पहले आप कैसे कर सकते हैं? नहीं फिर हाँ वो कोई आई आई मदर शुरू करो अपने कैरेक्टर के अपने नाम के साथ. Hi everyone, my name is Malanie Nazarath and I'm here to talk about my film Ek Tera Sath. What is the character in your movie? Mera character is bahut hi lively, bubbly, charming and mature, sensitive, emotional ladki ka bhumika nibha rahi hai. Isme mere character ka naam hai Sonali. और जो हमारी फिल्म का जो हीरो है आदित्य प्रताप सिंह प्लेड बाय शरद मल्होत्रा वो उसे बेनतहा मदद करती है. एंड सोनाली का अपना एक डिप्रेसिव पास्ट रहा है एज फार एज लव रिलेशनशिप इज कंसर्न. एंड उसे पता है कि कॉलेज से वो सिर्फ एक ही बंदे को चाहती है दिल से, वो है आदित्य प्रताप सिंह जिसे वो प्यार से एडी बोलती है. एंड वन फाइन डे वो फोन करती है एडी को कि एडी मैं आ रही दिल से. वो आईडी के बारे में कुछ नहीं जानती, वो बस जानती थी वो उसका कॉलेज फ्रेंड रहा है जिसे वो बहुत प्यार करती थी. उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, वो एक जिंदगी में एक डिप्रेसिव फेज से ऑलरेडी गुजर रहा है जिसमें उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तस्वीर. उसे कुछ नहीं पता, सोनाली को कुछ नहीं पता इस बारे में. वो बस आ जाती है आदित्य से मिलने के लिए और ये जताने के लिए कि वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करती है. उस बीच में उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो जहाँ आती है आईडी को मिलने के लिए, जहाँ आईडी रहता है राजपुता नाम, वो पैलेस जो है वो हवेली हॉन्टेड है. एंड हॉन्टेड वो कस्तूरी की रूह से है. कस्तूरी की प्ले बाय रानी वो आईडी की पत्नी होती है एंड उसकी रूह है वो उस पैलेस को हॉन्ट करती है. और फिर सोनाली के आने के बाद वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है, वायलेंट हो जाती है और सोनाली को अटैक करती है. तो उसके अटैक्स की शिकार बन जाती है सोनाली. ये क्या सोच के आपने साइन के लिए गुड सब्जेक्ट गुड कैरेक्टर गुड स्टार्टर क्या आपने सोचा? दिस फिल्म हैज गॉट अ ट्रेमेंडस स्टोरी. माय रोल जो मेरा किरदार है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है. एंड इट इज़ चैलेंजिंग क्योंकि उसमें बहुत सारी वेरिएशंस है एज फार एज इमोशंस आर कंसर्न, मेचोरिटी, सेंसिटिविटी, इसमें हॉरर है, थ्रिल है. तो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें साथ में करना इट वॉज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है. अर्शद सर इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कम्फर्टेबल डायरेक्टर्स टू वर्क विथ. ही इज़ बहुत स्पॉन्टेनियस है क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान हमें एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमें स्क्रिप्ट मिली तो वो वहीं बैठते थे, वो कहते कि ये सीन मुझे शूट करना है कि चलो सीन बनाते हैं. और हम बैठते थे सीन बनाते थे. एंड अर्शद सर ही हैज़ एवरीथिंग ओवर हियर. उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए. वो सिर्फ हमारे इनपुट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उस तरह से हमें मेंटली प्रिपेयर करते हैं उस कैरेक्टर के लिए और उस सीन के लिए. एंड उस वजह से वो हमें फुल लिबर्टी देते हैं कि हम अपने क्रिएटिव आइडियाज़ भी उसमें इनकॉर्पोरेट करें. तो शूटिंग विद अर्शद सर हैज़ बीन अ रियल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ फॉर मी. इसमें एक तेरा साथ में एक हीरो है शरद मल्होत्रा, लकी हिम. एंड इसमें दो हीरोइंस हैं, एक मैं हूँ एंड रितु ददानी. सो शरद इज़ अ लकी गाय. क्या इसमें दोनों का उसकी आंखें क्या बयां कर रही हैं वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी अभी. और कुछ सारे आपके अलावा स्टार कास्ट की बात करें इसमें दीपराज जलाना जी हैं एंड विश्वजीत प्रधान है, इसमें पंकज बेरी है, गार्गी पटेल है. ये हमारी सपोर्टिंग कास्ट में है. कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, मेरे जबकि मेरे जो रूट्स हैं वो साउथ के हैं. साउथ के हैं जो बात करें, हर कोई मुंबई में कुछ बनना चाहता है, ख्वाहिश होती है. तो आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? क्या बॉलीवुड में आना चाहते हैं? खुशी इतनी है कि मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ. डेफिनेटली एज एन एक्टर सबका सपना होता है कि वो अपने आप को बड़े पर्दे पर दिखे, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियंस हो. तो ये मौका मुझे मिला है जिसके लिए मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ.
आपने मॉडलिंग भी की है 3 मिनट की, आपने सीरियल भी किया है 30 मिनट का, आपने फिल्म भी की है 3 घंटे की, और आपने प्ले भी किया है जी। ये जो 4 दायरे आपने क्रॉस किए हैं, तो सबसे ज्यादा एज ए आर्टिस्ट आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिला, कहाँ आपने अपना टैलेंट लाइफ में बदलाव, मतलब लाइफ में एक अचीवमेंट जो कहते हैं कि पहली बार आपको कब लगा मुझे मुझे बहुत खुशी है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कदम रखा है इस इंडस्ट्री में। मैंने हमें मेरी जो रूट्स है एज फार एज एन एक्टर इज कंसर्न, वो स्टेज प्ले से ही बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो मैंने स्टेज प्ले से शुरुआत की थी, एक चादर मैली सी मेरा हिंदी प्ले था, फर्स्ट प्ले था जब मैं कॉलेज में थी। फिर मैंने सेम टाइम एज यूजुअल इंग्लिश प्ले किया था। उसके बाद मैं सीरियल्स में उतरी, चूड़ियाँ मेरा फर्स्ट शो था सोनी के लिए, और उसके बाद कई सारे शोज़ के, तकरीबन 9 या 10 शोज़ की अलग अलग चांस के लिए, स्टार प्लस के लिए, जी के लिए, और फिर दिस फिल्म हैपेंड। तो मेरे लिए दैट एवरीथिंग वाज लाइक अ लर्निंग थिंग फॉर द बिग स्क्रीन। कहने की आपकी लुक जो है परिणीति चोपड़ा से लुक खाती है, हाय इतनी खूबसूरत है वो, क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत ही खूबसूरत है एंड वो बहुत ही चार्मिंग है, बबली है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई एम ऑलरेडी सेटिंग। आपकी पहली दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी पहली फिल्म है और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों के दिल में डेफिनेटली जगह बनाऊँगा, क्योंकि इस फिल्म में अगर कोई आपकी सिंपैथी ले पाएगा वो सिर्फ मैं, मेरा किरदार वैसा है कि मैं आपकी सिंपैथी बटोर पाऊंगी, आपका प्यार बटोर पाऊंगी। नई नई लड़कियां जब फिल्म आती है तो हर फिल्म में एक बोर्ड सीन रखा जाता है, कहने की ग्लैमर होता है, अपने आप की छाप छोड़ने के लिए एल्बम बनाई जाती है, उसमें कितना ग्लैमर, कितना बोल्ड सीन है, कुछ आपने दिए? जी हाँ, इसमें एक बोल्ड सीन है, और जैसे आपने कहा कि नई नई लड़कियाँ आती हैं उन्हें बोल्ड सीन्स करने पड़ते हैं, जी नहीं, ऐसा तो है नहीं, सुपरस्टार्स भी करती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द फिल्म, और आजकल बहुत ही हर चीज़ ओपन हो गई है। इनफैक्ट ओपन मैं कहूँगी कि ज़्यादा हर चीज़ ऑडियंस से कनेक्टेड हो गई है, कि जब आप प्यार करते हो तब आप ऐसे नहीं कि 2 गज की दूरी पर बैठ जाते हो, आप डेफिनेटली एक दूसरे से, दूसरे के गले में हाथ डाल के बैठते हो, यू किस द पर्सन, यू हग द पर्सन, आप अपने केयर, अपने टच से उस बंदे को रियलाइज़ या बंदी को रियलाइज़ कराते हो कि शी इज़ और ही इज़ योर पार्टनर, और वही चीज़ हम फिल्म में दिखाते हैं। इट्स बिकम मोर रियलिस्टिक आई वुड से। सो बिसाइड्स ऑडियंस उस तरह से एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वी हैव द मेजॉरिटी यूथ इन आर कंट्री, and the youth knows ki when you love someone you have to show it, and film mein shayad hum log aajkal wahi karte hain. To maine ek bold scene kiya hai, ki intimate scene hai mera sharat ke sath, sharat malhotra ke sath, and bahut jise bahut hi khoobsurti se aapne kaha ki bahut sari cheeze badal chuki hain aur kafi badlav aa gaya hai, sab cheeze open ho chuki hai. Abhi haal hi mein ek bade star sachin jo hai sole film mein hai, aur yashraj ke banner tale ek film bani sex set pappu and papa. ओके जिसमें एक 6 साल का बच्चा कुंडम के बारे में सवाल पूछता है, और वो फिल्म काफ़ी हिट हुई है और उसको काफ़ी सराहा गया है जी। और जो महाराणा प्रताप में जो मैन लीड में लड़का है उन्होंने काम किया है, और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं उसमें जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं। जिस फिल्म के बारे में आप बात करें, आई एम सॉरी आई हैवंट वॉच द फिल्म, बट एज फार एज अ बच्चा इज कंसर्न, आस्किंग अबाउट सेक्स क्वेश्चन एंड टॉकिंग अबाउट कॉन्डम और समथिंग, आई थिंक सो बच्चा बच्चा जानता है उसके बारे में आजकल, और अगर वो ऐसी बातें पूछ रहा है एंड स्टफ, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह डेफिनेटली नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स एंड एवरीथिंग एट दैट एज, बट उसे इस तरह से एक्सप्लेन करे उसके बारे में कि उसे कोई गलत धारणाएँ ना हो उसके बारे में। थैंक यू से बात करने के लिए।